हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा दो के विषय गणित के सप्ताह इक्कीस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है अंकों को जोड़ो तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं दिमाग में जोड़ें और सही उत्तर लिखें तो बच्चों प्रत्येक बंडल में दस पेंसिलें हैं यहाँ पर बच्चों दस और एक ये यह है यहाँ पर दस है और ये बच्चों कितनी है एक दो तीन चार तो बच्चों कितनी होगी दस और दस बीस और चार चौबीस और एक पच्चीस तो यहाँ लिखेंगे पच्चीस नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर दस है यहाँ तीन है यहाँ दस है तो बच्चों कितनी होगी दस एंड दस बीस और तीन तेईस तो यहाँ पर लिखेंगे तेईस नेक्स्ट है बच्चों बंडल में दस है यहाँ भी बंडल में दस है यहाँ पर बच्चों चार खुली पेंसिल हैं और यहाँ तीन खुली पेंसिल हैं तो कितनी हो गई दस और दस कितनी हुई बीस और चार चौबीस और तीन सत्ताईस तो बच्चे यहाँ लिखेंगे सत्ताईस नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दस है और यहाँ पर दो यहाँ पर बच्चों दस का एक बंडल है यहाँ भी दो हैं तो बच्चों कितनी होगी दस और दस कितने होते हैं बीस इसमें दो और जोड़ लेंगे बाईस और दो ये प्लस कर लेंगे कितने हो गए चौबीस तो यहाँ पर लिखेंगे चौबीस अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों दस है इस बंडल में और यहाँ भी दस है यहाँ बच्चों खुली एक पेंसिल है और यहाँ कितनी है पाँच खुली पेंसिल है तो बच्चों अब इन्हें प्लस कर लेंगे दस और दस कितने होते हैं बीस और पाँच पच्चीस और एक छब्बीस तो यहाँ लिखेंगे छब्बीस अब बच्चों प्रश्न है निम्न रुपयों के मूल्य को जोड़कर अंकों में लिखिए तो बच्चों यहाँ पर सिक्का है ये पाँच का और ये पाँच का तो पाँच और पाँच कितने होते हैं दस तो यहाँ दस लिखेंगे दस रुपये हैं ये ये हैं बच्चों दस दस का एक नोट है यहाँ एक दस और एक कितने होते हैं बच्चों ग्यारह तो यहाँ पर लिखेंगे ग्यारह नेक्स्ट है एक और ये कितने हैं बच्चे पाँच रुपये हैं तो पाँच में हम एक प्लस कर लेंगे कितने हो गए पाँच पाँच रुपये हो गए और एक रुपये पाँच और एक छः तो यहाँ पर लिखेंगे छः अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर है बच्चों ये बीस रुपये और ये कितने हैं दस रुपये तो बीस रुपये में दस और प्लस कर लेंगे कितने हो जाएंगे तीस रुपये तो यहाँ लिखेंगे तीस नेक्स्ट है यदि, यदि एक कक्षा में बीस लड़के और पंद्रह लड़कियाँ हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है तो बच्चों कक्षा में बीस लड़के हैं पंद्रह लड़कियाँ हैं तो बच्चों कक्षा में लड़के कितने हैं बीस तो यहाँ पर लिखेंगे बीस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है पंद्रह तो यहाँ लिखेंगे पंद्रह कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे बीस और पंद्रह को प्लस कर लेंगे तो बच्चों बीस और पंद्रह कितने होंगे यहाँ पर बच्चों ये पाँच है पाँच का पाँच लिख लेंगे दो और एक तीन तो यहाँ हो गए तीन तो कितने हो गए पैंतीस तो यहाँ लिखेंगे पैंतीस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है पैंतीस अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर जमा तालिका पूरी करें तो बच्चों यहाँ पर है एक दो तीन चार पाँच अब बच्चे यहाँ छः है तो हमें छः में एक प्लस करना है छः और एक कितने होते हैं सात अब बच्चों छः में हम दो प्लस करेंगे तो कितने हो गए आठ छः में फिर तीन प्लस करेंगे छः और तीन नौ आएंगे यहाँ पर छः में चार प्लस करेंगे छः चार दस छः में पाँच प्लस करेंगे ग्यारह अब ऐसे ही बच्चों सात में हम एक प्लस करेंगे सात और एक आठ सात में दो प्लस करेंगे सात दो नौ सात में तीन प्लस करेंगे कितने हो गए सात तीन दस सात में चार प्लस करेंगे सात चार ग्यारह सात में पाँच प्लस करेंगे सात पाँच बारह अब बच्चों ऐसे ही हम आठ में एक को जोड़ेंगे आठ और एक नौ आठ और दो दस आठ और तीन ग्यारह आठ चार बारह और आठ पाँच तेरह तो इस तरीके से आप इस जमा तालिका को पूरी करेंगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव क्या आप सांप की मदद कर सकते हैं उसने अपनी पीठ पर अंक खो दिए हैं उन अंकों को ढूंढे और खाली स्थान में भरें तो बच्चे यहाँ पर है एक फिर इसमें जो है दो प्लस किए गए दो और एक तीन हो गए फिर तीन में तीन प्लस किए कितने हो गए छः छः में फिर चार प्लस किए कितने हो गए दस फिर दस में दो प्लस किए बारह बारह में एक प्लस किया तो कितने हो गए तेरह तेरह में फिर तीन प्लस किए तो कितने हो गए सोलह सोलह में दो प्लस किए तो कितने हो गए अट्ठारह अट्ठारह में एक प्लस किया तो कितने हो गए उन्नीस तो इस तरीके से बच्चों आप ही नंबर पूरा कर लेंगे जीवन कौशल आयु पता लगाना बच्चों क्वेश्चन है यदि आपका जन्म ग्यारह अप्रैल दो हजार बारह को हुआ है तो अब आप दो हजार इक्कीस में कितने वर्ष के हैं तो बच्चों आंसर इसका नौ साल है तो कैसे है ये देखेंगे तो बच्चों जन्म कब हुआ आपका दो हजार बारह में अब क्या है 2021 तो क्या करेंगे 2021 में से हम 2012 को माइनस कर देंगे तो बच्चे यहाँ पर एक है अब हम दो में से बोरो ले लेंगे तो कितने हो गए हैं ग्यारह ग्यारह में से हमने दो माइनस किए कितने बचे नौ यहाँ कितने रह गए एक एक में से हमने एक माइनस किया यदि मीस नहीं हो सकता तो जीरो आ गई जीरो में से यहाँ पर जीरो आ गई दो में से दो माइनस किए जीरो तो बच्चों कितना आया आंसर नौ तो बच्चों इस तरीके से आप कितने वर्ष के हैं नौ साल के अब बच्चों नेक्स्ट है उन सभी बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए जिनका जन्म वर्ष नीचे दी गई तालिका में दिया गया है तो बच्चों यहाँ पर है बच्चों चांदनी उसका जन्म वर्ष कितना है दो हज़ार ग्यारह आयु दो हज़ार इक्कीस में कितनी है तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे आप दो हजार इक्कीस से दो हजार ग्यारह को माइनस कर देंगे तो बच्चों एक में से हमने एक माइनस किया जीरो दो में से एक माइनस किया एक जीरो और दो में से दो माइनस किया जीरो तो कितना आंसर आया दस तो बच्चों दस साल है उसकी आयु सीता की बच्चों ऐसे ही आप 2013 को 2021 से माइनस करेंगे तो बच्चों 2021 से जब 2013 को माइनस करेंगे तो कितना आया आठ इटमीन सीता आठ साल की है ऐसे ही बच्चों मोहित मोहित है उसका जन्म वर्ष है 2012 2021 में कितनी आयु है उसकी तो बच्चों 2021 में से जब हम 2012 माइनस करेंगे तो कितना बच्चा नौ मोहित नौ साल का है रोहन रोहन की तिथि है दो तो बच्चों 2021 से 2014 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बच्चा की आयु है सात साल सपना तो बच्चों सपना का जन्मदिन है डेट ऑफ बर्थ 2010 तो बच्चों हम 2010 को 2021 में से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आया इलेवन यानी कि ग्यारह सपना की आयु दो में है कितनी ग्यारह साल संस्कार साला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है किसने कहा है राम प्रसाद बिस्मिल ने खाना पीना आज आप लेंगे खाने पीने में अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करेंगे और उनका सेवन करेंगे गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजेंगे खेल खेल में आज आप क्या करेंगे परिवार के साथ शतरंज का खेल खेलेंगे दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू